मेरी माँ, 735 की मेरी पहली पगार और हमारी माँ। 1992 का साल मेरे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। किताबों की शिक्षा दीक्षा के बाद बेरोजगार था। ईमानदारी का भूत बचपन से ही जो चढ़ा वह आप सबके आशीर्वाद से अब तक चढ़ा हुआ है। ईश्वर की कृपा से नैया खींच रही है। मेरी मां ने मुझे कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया। दो पीढ़ी के परिवर्तन को हमें सहजता से स्वीकार करना चाहिए। जो विजयगढ़ में नहीं था अब परिवर्तन आ रहा है। शुरू से अंतर्मुखी था, किसी से नपातुला कहना आदत सी थी। जिंदगी चौराहे पर खड़ी थी, रास्ता तय न था। मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी में ऐसा आता है, सो मेरे जीवन में भी आया। क्या करता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि किसी को आभास नहीं था कि मुझ में बहुत तनाव था। पढ़ने के बाद हर किसी के मन में उपजता है, कोई रास्ता नहीं दिखा तो किसी तरह मामा श्रद्धेय श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र के पास ओबरा आया। मामी से कहा कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। मामी ने मुझसे कहा कि भगवान है, सब ठीक करेंगे, खाइए पीजिए और आराम से रहिए। अब भी जब कोई बात आती है तो उनके वह शब्द कानों में गूंजते हैं। मामा तक बात पहुंची, उन्होंने पता किया तो मालूम चला कि ओबरा के विद्या निकेतन जूनियर हाई स्कूल में एक शिक्षक की जरूरत है। सो उन्होंने बात किया और बीच सत्र में मुझे शिक्षक की पहली नौकरी मिली। तत्कालीन प्रबंधक आदरणीय श्री अमृतलाल जी का हम जीवन भर शुक्र गुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे पढ़ाने से अधिक कहीं खड़ा होने का अवसर दिया। महीना भर पढ़ाने के बाद मुझे 735 रुपए तनख्वाह मिली। हमें नौकरी नहीं थी, इससे नहीं बल्कि बेकारी से तनाव में था। जिंदगी में एक पड़ाव मिला। तनख्वाह मिलने के बाद सवाल था कि उसका क्या करें। गांव पहुंचा, फाइनली मैंने तय किया कि इसे मां को दूंगा। बहुत सी बातें हैं जिन्हें केवल हम जानते हैं या मेरी मां जानती थी। घर में मां को बुलाया और मां को बैठाया। उसके चरणों में पहली कुल कमाई 735 रुपए रख दिए। मां ने कभी हाथ में पैसे नहीं लिए। मां ने पूछा, कैसा पैसा है। नौकरी का पहला वेतन। फिर पूछा, क्या करना है। पिताजी को दे देना, वह रख लेती हैं। दूसरे दिन जब हम अपने गांव बेलगाही से ओबरा के लिए चला, मां ने वेतन का पूरा पैसा मुझे वापस कर दिया और कहा कि वो कहे है कि उसका पैसा उसे वापस कर दो, जो उसे कम पड़ेगा उसे मिलता रहेगा। मां तो मां होती है, मां के बारे में केवल मां बोलने सुनने समझने से ही बात बनेगी। मां को शब्दों में लिखना नामुमकिन है। मेरी मां।